हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। दोस्तों, आज जो है हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमारे जो है UPSC प्री या किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और जो फैक्ट बताए जाएंगे उस फैक्ट को आप लोग अपने नोट्स पे नोट कर लेना, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना देर करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो है हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन क्या है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का केंद्रीय बैंक का उद्देश्य बाजार में अधिक मुद्रा की पूर्ति करना है। और दूसरा कथन हमारा है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने हेतु केंद्रीय बैंक जो है सीमांत आवश्यकता को बढ़ाता है। मतलब कि जो मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए जो है केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकताओं की को बढ़ाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा कथन सही होगा, यहाँ पे जो है हमारे ये दो कथन दिए हुए हैं, तो ये कि दोनों के दोनों कथन सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। तो हमारे अगर दोनों कथन सही तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि कैसे ये होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पे दिया है केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति की में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, इसमें लोगों की अधिक मुद्रा बच जाती है, यह अधिक साख सृजित करने के लिए मांग जमाओं रूप में वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में भी वृद्धि करता है, उसके अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने हेतु केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता को कम करता है, जिससे कि लोग अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित हों तथा बैंक अधिक साख सृजित करने में सक्षम हो सके। तो यहाँ पे जो है इसको पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया कि केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है। मतलब कि जैसे कि मुद्रा पूर्ति जो है उसको वृद्धि करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती है उसको खरीदता है, इससे जो है लोगों की अधिक मुद्रा बच जाती है। क्या बच जाती है, लोगों की अधिक मुद्रा बच जाती है जो है, इससे जब लोगों की अधिक मुद्रा बचती है तो यह अधिक साख सृजित करने के लिए, मतलब मांग जमाओ मैंने अभी आपको उस दिन बताया था ना, तो अगर आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में वृद्धि करता है, मतलब वाणिज्यिक जो बैंक हैं उसकी तरलता में जो है वृद्धि करता है, मतलब उसकी तरलता को बढ़ाता है, इसके अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने हेतु केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकताओं को कम करता है, जिससे लोग अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित हों तथा अधिक बैंक साख को सृजित कर सक्षम हो सके। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग नोट्स में नोट कर लेना और मांग जमाओं के बारे में आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हमारा जो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। तो वाणिज्यिक बैंक मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों का रूपांकन करते हैं और केंद्रीय बैंक उनका नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, एक न तो एक न तो दो, यहाँ पे हमारा कौन सा कथन सही हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारा सही है न तो एक न तो दो, मतलब ये भी कथन हमारा गलत है और ये भी कथन हमारा गलत है। तो अगर हमारा दोनों कथन गलत है तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में कैसे कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों का रूपांकन और नियंत्रण दोनों ही कार्य करता है। मतलब जो केंद्रीय बैंक है वो मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों का रूपांकन और नियंत्रण, मतलब रूपांकन भी करता है और नियंत्रण भी करता है, मतलब दोनों कार्य करता है। कौन करता है, वो केंद्रीय बैंक करता है मौद्रिक नीति के,
किसके तो मौद्रिक नीति के रूपांकन और नियंत्रण के दोनों कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करता है, मतलब केंद्रीय जो बैंक है वो बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंक जो है केवल साख सृजन के माध्यम से मुद्रा पूर्ति का योगदान, मतलब जो वो केंद्रीय बैंक है वो अर्थव्यवस्था की पूर्ति का नियंत्रण करता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक जो है वो साख सृजन के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति का योगदान करता है देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ना तो एक कथन सही है और ना ही दो, अतः इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे भी विचार करना है, तो जमाओं को स्वीकार करके वाणिज्यिक बैंक जो है पूंजी निर्माण के सुविधाजनक बनाता है, वाणिज्यिक बैंक जो है पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाते हैं। मंदी की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को महंगी मुद्रा नीति अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मंदी की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक, केवल दो, न तो एक और न तो दो, तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? केवल दो। कौन सा? केवल दो। मंदी की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को मुद्रा नीति अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है, ये वाला कथन सही है। और ये वाला गलत है हमारा, जमाओं को स्वीकार करके वाणिज्यिक बैंक पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाते, ये गलत है। अब कैसे सही है कैसे गलत है इसको तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में जरूरी देखेंगे, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार से। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विकल्प बी जो है सही है, तो एक्सप्लेनेशन जो हमारा है देखते हैं, यहाँ पे देखा बताया गया ना बी सही है। वाणिज्यिक बैंक जमाओं की सुविधा प्रदान कर लोगों की बचतों को गतिशील बनाते हैं, मतलब जो वाणिज्यिक बैंक हैं जमाओं की सुविधा को प्रदान कर लोगों की जो बचत होती है उसको गतिशील बनाते हैं। इससे जो है पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है क्योंकि उत्पादकों के द्वारा लिए गए उधार पूंजीगत परिसंपत्तियों को खरीद से काफ़ी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो है वाणिज्यिक बैंक जमाओं की सुविधा प्रदान कर लोगों की बचतों को गतिशील बनाते हैं, मतलब लोगों की जो बचत है उसको गतिशील बनाते हैं। इससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है क्योंकि उत्पादकों द्वारा लिए गए उधार पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद से काफ़ी संबंधित है। मंदी को रोकने के लिए साख प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक बैंकों की सुस्ती मुद्रा नीति अनुसरण को का परामर्श देता है, मतलब वाणिज्यिक बैंक में अगर सुस्ती है तो मुद्रा अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारे विकल्प बी सही है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथे नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है ना। यहाँ पे कहा गया है केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR के आधार पर करेंसी जारी करता है। किसके आधार पर? CRR के आधार पर जो है करेंसी जारी करता है। कौन? केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात पर। और दूसरा हमारा कथन क्या है? नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा वैधानिक तरलता अनुपात CLR एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। यहाँ पे दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे जो है हमारा न तो एक न तो दो, मतलब दोनों कथन जो है हमारे गलत हैं। कैसे गलत हैं ये जो है हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन को बिना देरी करते हुए। ये देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे क्या बताया गया है? केंद्रीय बैंक CRR के आधार पर करेंसी जारी नहीं करता, मतलब केंद्रीय बैंक जो है CRR के आधार पर, CRR क्या है?
CRR आप लोग अभी पता है ना CRR क्या है, अभी बताया ऊपर देखिए, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि जो है CRR के आधार पर करेंसी जारी नहीं करता। और ऊपर क्या बताया गया है कि केंद्रीय नगद आरक्षित बैंक CRR के आधार पर करेंसी जारी करता, इस वजह से जो है पहला कथन गलत है। CRR अनुपात वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता को प्रभावित करता है, किसकी क्षमता को प्रभावित करता है, जो है वाणिज्यिक बैंकों की साख को प्रभावित करता है, और CRR तथा CLR एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे देख दिया गया ना, CRR और CLR एक दूसरे के पूरक हैं। इन अनुपातों में वृद्धि साख को रोकती है तथा इसके विपरीत भी, तो इसलिए जो है हमारे दोनों कथन गलत है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, खुले बाजार की क्रियाओं के अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। ब्याज की बाजार दर बैंक दर के जो है बैंक दर के सुरक्षात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, यहाँ पे कौन सा कथन हमारा सही है दोस्तों? पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा कथन सही हो सकता है? तो यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों सही होगा जो है सी नंबर वाला ऑप्शन, एक और दो दोनों जो है खुले बाजार में बाजार की क्रियाओं में अभिप्राय जो है केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। ब्याज की बाजार दर बैंक के जो है धनात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है, तो यहाँ पे जो ये दोनों कथन हमारे सही हैं, तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब ये कैसे सही है इसको हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, तो देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक, मतलब खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनको खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। ब्याज की दर बैंक दर से धनात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है, ब्याज की जो दर है वो बैंक दर से धनात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है। बैंक दर में वृद्धि या कमी का अनुसरण ब्याज की बाजार दर में वृद्धि या कमी से होता है। अनुसरण जो है ब्याज दर, अनुसरण ब्याज दर बैंक दर में वृद्धि या कमी का अनुसरण जो है बाजार की वृद्धि या कमी द्वारा होता है, इसलिए जो है हमारे दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो है अगला क्वेश्चन कौन सा है, छठवें नंबर का। यहाँ पे भी कथन ही दिए गए हैं, रेपो दर, रेपो दर के बारे में मैंने आपको उस दिन भली भांति एकदम अच्छे से समझाया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने रेपो दर के बारे में बताया था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया रेपो दर जो है चयनात्मक साख नियंत्रण का एक उपकरण है। रेपो दर क्या है? चयनात्मक जो है साख नियंत्रण का एक उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का निवेश मांग बढ़ जाती है, मतलब CRR को कम करने पर निवेश मांग जो है बढ़ जाती है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने पर उसकी साख निर्माण की क्षमता जो है घट जाती है। यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और केवल तीन, मतलब और एक दो तीन, मतलब कौन सा कथन यहाँ पे जो है हमारे सही हो सकते हैं? यहाँ पे केवल एक दो दिया गया है और दो तीन दिया गया है, केवल तीन दिया गया, एक दो तीन, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे सही होंगे बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, दो और तीन, मतलब कि ये वाला और ये वाला हमारा सही है। ये वाला जो है रेपो दर
चयनात्मक शाख नियंत्रण का उपकरण है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल्स में, इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेपो दर जो है मात्रात्मक शाख नियंत्रण का एक उपकरण है जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था से संबंधित नियंत्रण क्षेत्रों या रुपए उपलब्ध पर पड़ता है। इसलिए जो है स्पष्ट है कि कथन एक हमारा गलत है, क्योंकि कथन एक में क्या हमारे बताया गया है कि रेपो दर चयनात्मक शाख नियंत्रण का एक उपकरण है, जबकि रेपो दर मात्रात्मक शाख, चयनात्मक नहीं मात्रात्मक शाख का एक नियंत्रक उपकरण है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर सभी क्षेत्रों में रुपए उपलब्ध पर पड़ता है। ठीक है, अब कथन 2-3 सही है। कैसे सही है? नगद आरक्षित अनुपात CRR कम दिए गए वाणिज्यिक बैंकों की शाख सृजित करने की क्षमता बढ़ जाती है, कम ब्याज दर पर शाख की उच्च उपलब्धता के कारण निवेश मांग बढ़ जाती है। वाणिज्यिक बैंक की सरकारी नीतियां खरीदने की अनुमति देकर या तो उन्हें प्रेरित करके केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद शेषों की शाख लेता है, जिसका प्रयोग वह शाख निर्माण को करता है। तदनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाख निर्माण क्षमता घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। तो हमारा जो है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शाख गुणक, मुद्रा गुणक, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत रूप में कोष की आवश्यकता व्युत्क्रम, और दूसरा है वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थाओं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं किंतु सभी वाणिज्यिक संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कथन जो दिए होंगे हमारे ना, तो कथन में से कौन सा हमारा सही है। केवल एक, केवल दो, ऐसे करके कथन दिए होंगे। चलिए कथन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे दोनों कथन सही होंगे, जो ऊपर दिए गए थे उसमें से दोनों कथन सही होंगे, सी वाले विकल्प। देखिए क्या कहें कथन मार में, शाख गुणक, मुद्रा गुणक, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में कोषों की आवश्यकता या व्युत्क्रम है। सभी वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थाएं होती हैं किंतु सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती हैं। मतलब जो सभी वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, पर सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इस दो कथन जो है हमारे दोनों सही है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया सी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है? शाख गुणक, मुद्रा गुणक, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में कोषों की आवश्यकता का व्युत्क्रम है। सभी वाणिज्यिक बैंक जो हैं वित्तीय संस्थाएं होती, किंतु सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती। यहाँ पे मतलब बताया गया कि जो सभी वाणिज्यिक बैंक हैं वो वित्तीय संस्थाएं हैं, पर जो वित्तीय सभी वित्तीय संस्थाएं हैं वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। मतलब कि आप बोले कि राम श्याम है पर श्याम राम नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ है ऐसा संबंध। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे भी कथन ही दिए गए हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR के अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास कानूनी तौर पर रखे गए आवश्यक नगद कोषों से है, जो अपनी कुल जमाओं के प्रतिशत रूप में होते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात CLR से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है, जिनको उन्हें अपनी कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर जो है अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारे कौन से कथन सही होंगे दोस्तों? तो यहाँ पे जो है हमारा सही होगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारे ये भी कथन जो है सही है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे जो है सी वाला विकल्प सही होगा। कैसे सही होगा ये हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा सी वाला विकल्प सही होगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया है नगद आरक्षित अनुपात CRR से अभिप्राय है, मतलब वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंकों के पास कानूनी तौर पर रखे गए आवश्यक नगद कोषों के जो कुल जमाओं मांग जमाओं के मतलब मांग जमाओं जिसको कुल जमाओं के प्रतिशत के रूप में होते जो मतलब कानूनी तौर पर रखे गए आवश्यक नगद कोषों से वो कुल जमाओं के प्रतिशत के रूप में होते हैं ना, और वैधानिक तरलता अनुपात CLR जिसको कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब CLR, अगर यहाँ कहीं पे CLR लिखा है CLR का पूरा नाम तो उसको आप जो है वैधानिक तरलता अनुपात लिख सकते हो, ठीक है। तो CLR अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है जिसको उन्हें अपनी कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत आधार के रूप में देना होता है। तो इस प्रकार जो है हमारे ये दोनों कथन सही हैं, तो हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का। वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है हमारा, प्रायः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्ताव में सृजित मुद्रा तथा नगद आरक्षित अनुपात के आधार पर कानूनी तौर पर जो है सृजित मुद्रा के में अंतर नहीं होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रायः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्ताव में सृजित मुद्रा तथा नगद आरक्षित अनुपात के आधार पर कानूनी तौर पर सृजित मुद्रा में अंतर नहीं होता है। आरक्षित कोष नगद आरक्षित अनुपात से अधिक वाणिज्यिक बैंकों की शाख नीति को लचीलापन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे कौन से कथन सही होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारा ए वाला, सिर्फ केवल ए वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, यहाँ पे कहा गया है प्रायः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्ताव में सृजित मुद्रा तथा नगद आरक्षित अनुपात कानूनी आधार पर कानूनी तौर पर सृजित मुद्रा के अंतर नहीं होता है। इस वजह से जो है हमारा ये सही है। और यहाँ पे अतिरिक्त कोष नगद आरक्षित अनुपात CLR से अधिक जो है वाणिज्यिक बैंकों की शाख नीतियों का लचीलापन होता है ना, इस वजह से जो है हमारा यहाँ पे ये सही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि हमारा यहाँ पे केवल ए वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है ये देखते हैं हम लोग, कैसे सही है ए वाला ऑप्शन। दोनों कथन सही हैं। कैसे सही हैं, वाणिज्यिक बैंक द्वारा वास्तव में सृजित नगद आरक्षित अनुपात आधार पर कानूनी तौर पर सृजित मुद्रा के आधार होता है, क्योंकि नगद आरक्षित अनुपात के अलावा, जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात जो होते हैं बैंक तिजोरी नगद, मतलब बैंक तिजोरी के जो नगद रूप में अतिरिक्त कोष पास में रखते हैं, और बैंक अतिरिक्त कोष इसलिए रखते हैं ताकि वे आकस्मिक स्थितियों में, मतलब बैंक जो अतिरिक्त कोष रखता है अपने पास में वो आकस्मिक स्थितियों के लिए रखता है, हालांकि कोई घटना घट गई मतलब किसी भी चीज के लिए तो आकस्मिक स्थिति में उसके लिए रखता है। नोटबंदी, अगर नोटबंदी के अलावा कोई और मुद्दा आया होता तो वहां पे जो है कि ये हो जाता, क्योंकि नोट तो उस टाइम बंद हुई जो सरकार ने अपने पास अतिरिक्त कोष रखे थे, तो उस वजह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप लोग एक पॉइंट याद रखना। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर तो आप लोग प्रतिदिन की तरह ही बताओगे। प्राथमिक तथा गौण जमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में कराई गई जमा प्राथमिक जमाएं कहलाती हैं, जो बैंकों की कुल मांग जमाओं का एक भाग है। और दूसरा कथन क्या है, गौण जमाओं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है, ये बैंकों की कुल मांग जमाओं का एक भाग है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट में बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप में जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जो है
किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।